दोस्तों, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं रूढ़िवादी अंधविश्वास आज भी जिंदा है। दोस्तों, अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब हमारे रक्षक भी बाबाओं के दरबार में केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप ये वीडियो देख लीजिए। बोलो, है ना? कुछ नाम है, उन नामे में से एक नाम को मैं इंटर स्कूल में ना बोलूं, समझ लो वही व्यक्ति है, बाकी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, सुनिए, तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। चालू कर रहा हूं, ध्यान रखना। रवि अहिरवार, राकेश, अमन। दोस्तों, एमपी की छतरपुर पुलिस का एक अनोखा कारनामा उजागर हुआ। यहाँ एक लड़की के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एमपी पुलिस कथित संत पंडोखर बाबा की शरण में पहुंची, यानी मध्य प्रदेश का पूरा तंत्र। इतना बड़ा पुलिस का अमला इतना निकम्मा हो गया कि एक एएसआई को हत्या के मामले में बाबा जी के चरणों में बैठकर क्लू लेने पड़ गए। दोस्तों, एक 17 साल की लड़की की हत्या हुई तो एएसआई बाबा के चरणों में बैठकर ये पूछ रहे हैं कि बाबा जी, आप कोई क्लू दे सकते हैं क्या? फिर क्या था? बाबा ने भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया और एएसआई द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपियों को छोड़ मृतका के चाचा को आरोपी बना दिया, वो भी बिना किसी जांच पड़ताल के। वाह एमपी पुलिस। उधर मृतका के परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की, फिर मामला बढ़ा तो एसपी ने एएसआई को तत्काल सस्पेंड कर दिया, थाना इंचार्ज को लाइन अटैच कर दिया। इसके साथ ही एसपी ने मामले की छानबीन करने के आदेश भी दिए। दोस्तों, एमपी पुलिस की ऐसी जांच कहीं देखी है आपने? दोस्तों, नेतागण बाबा के चरणों में बैठते हैं क्योंकि उनको तो भक्तों के वोट चाहिए होते हैं, लेकिन एएसआई को ऐसी क्या आफत आ गई कि ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर खुलेआम न सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा दिया बल्कि पुलिस की वर्दी का भी अपमान किया। जिस पुलिस को अपनी जांच पर विश्वास नहीं है, अपने अमले पर विश्वास नहीं है, अपने तंत्र पर विश्वास नहीं है, वो जनता में क्या खाक विश्वास पैदा करेगी? दोस्तों, डबल इंजन सरकार की एमपी पुलिस के ऐसे अनोखे कारनामे पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।